रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज ऐसी शख्स से मुलाकात करवाना चाह रहे हैं, श्रीमान गुलशन पांचाल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हरियाणा बॉक्सिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल रेफरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशंस। श्री गुलशन पांचाल जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। थैंक यू वेद प्रकाश जी। जी गुलशन जी, आपकी यहाँ जो एकेडमी है ये कब से स्थापित है? सर, इंडस ग्लोबल एकेडमी यहाँ लगभग 4 साल से स्थापित है, और जिसमें बॉक्सिंग हमने लास्ट ईयर शुरू किया जी। और कोरोना काल के बाद बच्चों को एक नई एनर्जेटिक गेम का प्लान किया हमारे डायरेक्टर सुभाष सर ने, जिसमें हम लोग को बॉक्सिंग को ले गया है। तब फिर मैं लास्ट वन ईयर से मैं यहाँ हूँ जी। जी जी, तो पिछले एक साल से हम लोगों ने यहाँ एक शुरुआत की है बॉक्सिंग एकेडमी की, जिसमें बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जींद कहीं किसी मायने में पीछे नहीं है, और जींद के लोगों को एक इंटरनेशनल लेवल के जब कोच यहाँ जींद में मुहैया हैं, तो निश्चित तौर पर जींद के बच्चों का स्पोर्ट्स की, खासकर बॉक्सिंग के क्षेत्र में ब्राइट फ्यूचर है जी। जींद को पिछड़े वर्ग में कहना स्पोर्ट्स के मामले में मैं कहूँ गलत है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारी रेसलिंग की एक लड़की जो है अर्जुन अवार्ड लेके आई है जी। तो ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है जींद के लिए भी जी। और जींद में सभी स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले भिवानी, जिसे मीनू क्यूबा कहा जाता था बॉक्सिंग में, अभी जींद के ही बच्चे जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमने जो अकेडमी स्थापित की है, इसमें जल्दी जल्द यहाँ से भी आपको कोई ना कोई इंटरनेशनल बच्चा आपको जल्दी ही भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करता मिलेगा। तो ये जो एकेडमी है, रेजिडेंशियल एकेडमी है, हॉस्टल है, बच्चों के फैसिलिटी क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं, और कोई बच्चा अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है इस एकेडमी में, एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? सर, एकेडमी जो है रेजिडेंशियल है, यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग होती है, और बीच में एक डे बोर्डिंग स्कूल भी है हमारा जी। तो इंडस ग्लोबल एकेडमी, उसमें स्कूल के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन, हम लोग दोनों चीज़ों को एक कंबाइंड, जो हमारे डायरेक्टर सर का जो विज़न है सुभाष जी का जी। तो एक कंबाइंड विज़न हम लोग लेके चल रहे हैं, और इसी उसमें सिर्फ जींद का मेरे ख्याल से पहला एक हॉस्टल फैसिलिटीज स्कूल है, जिसमें जींद में किसी भी स्कूल में मेरे ख्याल हॉस्टल नहीं है। हम लोगों ने यहाँ हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध करवाई है जी। जी। उसके साथ साथ हम जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्स हैं, जैसे आर्चरी है, बॉक्सिंग है, शूटिंग है, टेबल टेनिस है, जितने भी अच्छे गेम हैं, वो सारे के सारे इस एकेडमी में स्थापित हम लोगों ने करने की कोशिश की है जी। जी तो जो बच्चा बॉक्सिंग करना चाहता है और बॉक्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आपकी एकेडमी में क्या उसके चार्जेस किस प्रकार से हैं, कि कोई आम बच्चा भी, ज़रूरतमंद बच्चा भी, अगर उसमें टैलेंट है, उसमें हौसला है, उसमें मतलब जज्बा है, तो क्या इसको अपना करियर बना सकता है? जी जी जी, देखिए स्पोर्ट्स तो अपने आप में एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है अपने कैरियर को बुलंद करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन में आजकल कंपटीशन, आपको पता है कि एजुकेशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो IIT लगा लीजिए, JEE लगा लीजिए, या NEET की परीक्षा लगा लीजिए, एक लाखों करोड़ों लोगों द्वारा आवेदन किए जाते हैं, और उसके बाद कुछ एक बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और स्पोर्ट्स अपने आप में एक नई ऊर्जा प्रदान और कैरियर को नई बुलंदी पर पहुँचाने के लिए एक सक्षम साधन होते हैं। और स्पोर्ट्स में हमारा भी विज़न ये रहता है, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है तो उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसके फीस चार्जेस भी हम लोग, हमारे डायरेक्टर सर उसमें काफ़ी हद तक उसमें उसको फीस भी कम कर देते हैं। अगर कोई बच्चा आना चाहता है अपनी प्रतिभा के आधार पर, वो आए और अपना दिखाए, अगर उसमें जितना भी मैक्सिमम होगा उतना हम संस्था की तरफ से उसको करने की कोशिश करते हैं जी। तो इस जो ग्लोबल एकेडमी है, इसका अगर कोई एड्रेस पूछे तो क्या एड्रेस है, लोग आपसे संपर्क करना चाहें किस प्रकार से? सर, ये नेशनल हाईवे 352, जैसे हम लोग जींद से किनाना विलेज है, किनाना विलेज क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे 352 पे ऑन द रोड ही है इंडस ग्लोबल एकेडमी के नाम से जी। तो यहीं हमारा सारा स्टाफ और सारी सुविधाएं यहीं हैं, तो कोई आए संपर्क करे तो कर सकता है इसमें। तो मंथली चार्जेस क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपकी एकेडमी में कोई बच्चा दाखिला लेना चाहते हैं, मंथली चार्जेस? मंथली चार्जेस सर, वैसे तो अगर कोई डे बोर्डर बच्चा है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आएगा जी, तो उसका मंथली चार्जेस यहाँ 2000 है, वैसे तो सभी के लिए 2000 पर मंथ। अगर कोई बच्चा एजुकेशन भी साथ साथ लेता है तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्धारित की है उसकी फीस सूची अलग है जी, जी। जो जहाँ एजुकेशन भी लेना चाहता है और यहाँ स्पोर्ट्स भी करना चाहता है, तो उसकी एक सूची बनाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो वो यहाँ आए संपर्क करें, उसके बाद उसके डिसाइड की जाती है कितनी लेनी है जी।
मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, श्री गुलशन पांचाल जी जो इंटरनेशनल रेफरी हैं भारतीय टीम की तरफ से, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन एसोसिएशन की तरफ से 2 स्टार इनमें कैटेगरी में है। इन्होंने बहुत से इंटरनेशनल मुकाबलों में रेफरीशिप की है। हम उन्हीं की ज़ुबानी जानना चाहेंगे, कहाँ कहाँ आपने एज ए रेफरीशिप पार्टिसिपेट किया है। सर, मैं इंटरनेशनल रेफरी जज हूँ और हरियाणा से हम लोग 2 इंटरनेशनल रेफरी जज हैं, एक कर्नल मनोज कुमार जी हैं जो आर्मी में कार्यरत हैं और एक मैं हूँ। तो हरियाणा को रिप्रेजेंट करने वाला मैं पहला व्यक्ति था जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करके जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग का रेफरी जज बने। तो मैंने 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 3 चैंपियनशिप जो इंडिया में हुई थी और 1 सर्बिया यूरोप में हुई थी। जी। तो हाल ही में नेशनल गेम्स में मैंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया और जितनी भी चैंपियनशिप होती हैं तो मैक्सिमम हरियाणा से हम लोग जाते हैं जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कॉल होती है। जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं हरियाणा बॉक्सिंग फेडरेशन संघ के, आप तो आप क्या किस तरीके का भविष्य है हरियाणा बॉक्सिंग फेडरेशन का, क्योंकि जो इस प्रकार जो नई टीम अभी नया चुनाव हुआ है आपकी टीम का, तो क्या भविष्य नज़र आता है बॉक्सिंग फेडरेशन का हरियाणा में बॉक्सिंग खिलाड़ियों का। मैं यही कहूँगा कि बॉक्सिंग का हरियाणा में बहुत अच्छा भविष्य है बॉक्सिंग के बच्चों का, क्योंकि हमारे अध्यक्ष हैं मेजर सत्यपाल जी सिंधु, तो वो पिछले चुनाव में भी विजयी रहे थे, अब की बार चुनाव में भी हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा वो चुने गए। बहुत ही अच्छे उनकी सोच और बहुत ही अच्छी नीति के साथ वो कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। और अभी पिछले 3 सालों में हम लोग हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा 6 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ हरियाणा में ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं। और मैं पिछले 15 साल से बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ हूँ, पहले कोई भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हरियाणा में देखने को नहीं मिलती थी, अब वही प्रतियोगिताएं हमें हरियाणा में देखने को मिल रही हैं। ये हरियाणा के बच्चों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय होता है कि हरियाणा, क्योंकि होम ग्राउंड का एक सारा ही फर्क होता है और उसी होम ग्राउंड में अगर बच्चा खेलता है तो उसमें अलग दिशा और अलग ऊर्जा के साथ कार्य करता है। तो आज हरियाणा बॉक्सिंग संघ और मेजर सत्यपाल सिंधु जी के प्रयास से हरियाणा जो है हर चैंपियनशिप में, चाहे वो हरियाणा में हो रही हो, हरियाणा से बाहर हो रही हो, हरियाणा हमेशा फर्स्ट सेकंड ही पोजीशन पे रहता है। और हरियाणा के मुक्केबाजों और हरियाणा के जितने भी कोचिज हैं जो लगे हुए हैं अपने सेवा भाव से, तो उनका भी एक प्रयास है और जिसकी वजह से आज हरियाणा हर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल लेके आते, चाहे वो कॉमनवेल्थ मेडल हो, चाहे वो एशियन चैंपियनशिप हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, और चाहे वो ओलंपिक में प्रतिभागिता रही हो, उसमें हरियाणा के बॉक्सर मैक्सिमम हरियाणा की टीम हिस्सा लेती है। जी, निरंतर आपको इसी प्रकार किसी अन्य ऐसी शख्स से मुलाकात करवाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।